हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों के दुआओं से। और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है होने वाली है दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियो है, इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि IT स्टूडियो बार बार खोलने से हमें कितना नुकसान होता है दोस्तों, और कितना खोलना चाहिए, कितना नहीं खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए, इस सब आप लोगों को पूरी जानकारी वीडियो में बने रही है। आप लोगों को मैं बताती हूँ, पूरा क्लियर कर दूँगी कि खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, और कैसे खोलना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, सारा सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। YT स्टूडियो जो होता है, हम लोग बार बार अपनी वीडियो को खोल के देखते हैं कि कितना क्या हो गया, हमारा व्यू गया कि नहीं गया, सब्सक्राइबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या है कैसे, जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज होता है वो लोग अपने अर्निंग या डॉलर भी देखते हैं कि कैसे। बार बार खोलते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग की जब वीडियो नहीं चलती है तो हम लोग बार बार YT स्टूडियो ही खोल के देखते हैं कि हमारा कितना वीडियो चला, नहीं चला, फर्स्ट रैंक पे है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोग को जो है YT स्टूडियो को समझना पड़ेगा। YT स्टूडियो जो अगर जो समझ लिया वो समझ लो सक्सेस है, जो YT स्टूडियो नहीं समझा वो नहीं सक्सेस है। क्योंकि बिना YT स्टूडियो के समझने के बाद ही आप कुछ कर पाओगे, वरना कुछ आप नहीं कर पाओगे। इतना आप मान के चलो कि YT स्टूडियो को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप YT स्टूडियो को अच्छे से नहीं समझोगे, मैं भी नहीं समझ पा रही थी जब तक नहीं समझी थी। सच्ची माने मुझे भी नहीं कुछ करने का मन कर रहा था, और जब से मैं समझ गई हूँ, मुझे पता चल गया है, तब से मुझे भी पता लग गया, तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। जब तक मुझे समझ में नहीं आया था मैं भी वीडियो नहीं बनाती थी। जब मुझे समझ में आ गया तो मुझे ये लगा कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने का तरीका वो तो आना चाहिए, वो तो बात की बात है, लेकिन YT स्टूडियो समझना सबसे बड़ी बात है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और आप सबसे पहले बात है जो है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको कुछ जो है वो चलाऊंगी, अपना YT स्टूडियो का जो है क्लिप लगा देती हूँ, साइड में चल रहा है, तो आप लोग देखिए कैसे कैसे है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि वीडियो पे जो है फर्स्ट रैंक पे कैसे आता है, और कितना एक्सप्रेशन गया है, कितना व्यू आया है, कितने मिनट या कितने सेकंड लोग रुके हैं, सब आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। ये सब मुझे भी नहीं देखने आता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था। जब ये समझ में नहीं आएगा तो हम वीडियो बनाएंगे कहाँ से, जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ पर जा रही है, कितनी गई, नहीं गई, अच्छा गया या नहीं गया, जब मुझे यही नहीं पता तो मैं क्या समझूंगी। अगर जब मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ इतना आएगा, ऐसे होगा, तो वीडियो डाल लो, अच्छा है, तो इसकी वजह से मैंने बनाना शुरू कर दिया। जब दोस्तों मुझे जब समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे होता है, तब मुझे समझ में आया कि हाँ कैसी वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तभी तो आप उससे बढ़िया वीडियो बनाओगे कि पहली बार मैंने ऐसा वीडियो बनाया था और मेरी वीडियो ये अच्छी गई थी, तो इसी से रिलेटिव मैं ऐसी ही वीडियो बनाती ताकि मेरा अच्छा जाए। समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरा भी ऐसे ऐसे एक दो वीडियो गया है, और ज़्यादा मैं वीडियो बनाती ही नहीं तो जाएगा कहाँ से। तो आप लोग जो है कि दोस्तों कॉपी पेस्ट वीडियो अगर आप भी बनाते हो तो आप थोड़ा सा क्लिप लिया करो दूसरे का, और बाकी सारा जो है आपका रहेगा, तभी वो वीडियो जो है वो वीडियो पे मतलब कि मोनेटाइज होगा। अगर आप पूरा का पूरा डाउनलोड करके अगर डाल देते हो तो वो वीडियो नहीं चलेगी दोस्तों, और मोनेटाइज करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए अपना कंटेंट जो है बनाया करो। तो हाँ, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, आप लोग बने रहिए, ऐसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को YT स्टूडियो में हमारे कैसे जो है देखा जाता है। जैसे देखो मेरी YT स्टूडियो ये ओपन हो गई है। मैं अब जाती हूँ अपने कंटेंट पे जाने के बाद, जैसे जो मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे ये रही मेरी वीडियो, तो इस वीडियो पर आप देख सकते हैं कि नंबर 1 रैंक पर है, देख सकते हैं आप। इस पर जो है 1.5 मिनट कुछ ऐसे जो है व्यू डायरेक्शन भी है, मतलब 1.5 मिनट हमारे वीडियो पर रुके भी हैं, 5,500 जो है इन्फ्लेशन क्लिक भी गया है, और व्यू भी ठीक ठाक गया है, मतलब नंबर 1 पे मेरी वीडियो है। जैसे आप लोगों को ये देखना आ जाएगा, ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखने आएगा तभी आप लोग देख सकते हैं। और एक वीडियो मेरी देखो इधर, ये भी गई है, क्या बोलते हैं इसमें, देखिए ये बहुत अच्छी तो नहीं गई है, नंबर 3 पे है, लेकिन मतलब सब एवरेज सब ठीक है मेरा डायरेक्शन रुकने का। ये सब अगर आपको देखना आ जाएगा दोस्तों ना, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आप भी सक्सेस हो पाएंगे। और दूसरी बार मैं वीडियो में बोल नहीं पाई थी, मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या बोलते हैं, YT स्टूडियो को बार बार खोलने से कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों, कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो जो लोग झूठे फालतू में फेक वीडियो बनाते हैं कि मतलब YT स्टूडियो खोलने से ये होता है वो होता है, व्यू नहीं जाते हैं,
चैनल मोनिटाइज नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग YT स्टूडियो को खोल सकते हो, देख सकते हो, जितना मर्जी जितनी बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि YT स्टूडियो आप लोग देखना, चेक करना, ज़रूर सीख जाइए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो तो दिखाया ही है, देखो इस पर भी मैंने लाइव गई थी तो ये भी मेरा वीडियो ठीक ही ठाक व्यू गया था, लोग रुके नहीं थे, दिखा नहीं अच्छा, तो इसलिए बहुत अच्छी वीडियो तो नहीं गई है, फिर भी जो है ठीक ठीक मेरी वीडियो चली, मैं डाल नहीं पा रही हूँ। बाकी देखो इस पर रुके लोग बहुत अच्छा है, मेरी वीडियो को देखे अच्छा है, लेकिन यूट्यूब ने रिकमेंड नहीं किया अच्छे से। तो यही था दोस्तों, और आप लोगों ने मेरा देख ही लिया और समझ भी गए होंगे, तो यही था मेरी वीडियो में। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, जो YT स्टूडियो होता है वहाँ पे हमें YouTube जो है खुद रिकमेंड करता है वीडियो बनाने के लिए, कि हमें कैसी वीडियो बनानी चाहिए, कैसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। अगर जब आपको आएगा तभी तो आप जाके देखोगे कि हमें YouTube कौन सी वीडियो बनाने के लिए कह रहा है। हमें भी ये नहीं देखने आता था, जब देखने आ गया तो मैं भी उसी से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ, और वो वीडियो 110% वायरल जाती ही जाती है। अगर लाख दो लाख का है तो 1000 में तो जाना ही जाना आपका भी है। आप उसी जो यूट्यूब देता है, आपको रिकमेंड करता है वीडियो, सजेस्ट में करता है दोस्तों, हमें सजेस्ट खुद करता है YouTube कि आप इस तरीके का वीडियो बनाओ, आप इस तरीके का वीडियो बनाओ, हमारा वो मदद करता है। ऐसा नहीं चाहता है कि आप YouTube पे बनाओ और सक्सेस ना हो, YouTube भी चाहता है कि हम उस पर वीडियो बनाएं और हम सक्सेस भी हो, वो हटाना नहीं चाहता, लेकिन हम काम नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए कह रहे हैं YT स्टूडियो को समझना बहुत ज़रूरी है, आप लोग पहले YT स्टूडियो को अच्छे से समझ लीजिए और आप लोगों को वीडियो बनाइएगा, वो वीडियो वायरल जाएगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग कहोगे कि इतना सस सस के मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं दोस्तों रील बनाने के लिए जो है तैयार हुई थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो आप लोगों के लिए यही वीडियो थी, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो इस तरीके का, तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा वीडियो बना दूंगी मैं। और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।